हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल एंड आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी कॉर्न चाट, यानी कि एक ही स्टार्टर के अंदर आपको दो दो रेसिपी का मजा मिलने वाला है। सो एंजॉय द रेसिपी एंड लेट्स स्टार्ट। तो रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने लिए फ्रोजन कॉर्न्स, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं पैकेट्स में फ्रोजन स्टेट में। आपको बस लाके इनको थोड़ा सा ब्लांच करना होता है और उसके बाद आप इनको यूज कर सकते हैं, या फिर आप फ्रेश कॉर्न से बनाना चाहें तो फ्रेश कॉर्न से भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं। बस आपको उनको पील करना है, बॉयल करना है और बॉयल करने के बाद उनके इस तरह के कर्नल्स निकाल देने हैं। तो फ्रेश कॉर्न से भी आप आराम से बना सकते हैं। अब अगर आप इस तरह के फ्रोजन कॉर्न से बना रहे हैं तो इनको आपने पैकेट से निकालना है, बॉइलिंग पानी में सिर्फ एक मिनट के लिए उबालना है और निकाल देना है। कॉर्न से एक बार ठंडे हो गए, उसके बाद हमने इसमें मिलाना है कॉर्न स्टार्च, जिसे हम कॉर्न फ्लावर के नाम से यूजुअली जानते हैं। तो यहाँ पे लगभग 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर मैंने मिला दिया है। उसके साथ में यहाँ पे मिला रहा हूँ थोड़ा सा मैं राइस फ्लावर। राइस फ्लावर एक बहुत अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर देता है इसको। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला यहाँ पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी चाट बनाने वाला हूँ, और थोड़ा सा नमक। नमक डालते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला हुआ है। थोड़ा सा इसके अंदर में नींबू भी स्क्वीज कर लेगा, तो यहाँ पे ये आधा नींबू मैंने इसमें स्क्वीज कर लिया है। और अब इसके बाद हमने इसे अच्छे से मिलाना है इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमने कॉर्नफ्लावर लिया है उसकी एक अच्छी सी कोटिंग आ जानी चाहिए हमारे कॉर्न के ऊपर। तो ये देखें, कुछ इस तरह की कोटिंग कॉर्न्स के ऊपर आ जानी चाहिए, बिल्कुल इवन कोटिंग। और एक बात का इसमें ध्यान रखना है, पानी आपने अगर ज़रूरत पड़े तभी डालना है। और ये देखिए, जब आप कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे उसके बाद जो ये दाने हैं ना, ये बिल्कुल सेपरेट सेपरेट ऐसे होने चाहिए इस तरह से, तभी ये अच्छे से फ्राई होंगे और क्रिस्पी होंगे। तो चलिए, अब ये कॉर्न की कोटिंग हो चुकी है, अब इसको फ्राई करते हैं। तो अब ऑयल हमारा रेडी हो चुका है, ऑयल को हमने रखना है मीडियम हीट पे, और अब इसमें हम शुरू करेंगे कॉर्न डालना। तो इस तरह से हम कॉर्न फ्राई कर लेंगे मीडियम हीट पे। आप कभी भी कोई भी चीज़ फ्राई करें तो बहुत सारा एक साथ नहीं डालें, क्योंकि एक साथ डालने से ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल नीचे हो जाता है, यानी कि गिर जाता है, जिससे खाने के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। कॉर्न को फ्राई करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी कभी ये बर्स्ट भी होते हैं क्योंकि इनके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर गर्म होने पर स्टीम बनता है जिसके कारण ये बर्स्ट होते हैं। तो अपने पास जो फ्राइंग के लिए छारा है वो थोड़ा सा लंबा रखें। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम में आपने धीरे धीरे इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं, और इनके ऊपर गोल्डन कलर आने तक आपने इन्हें फ्राई करना है। तो ये हमारा पहला बैच फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। तो सारे कॉर्न्स को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है, और अब बनाते हैं इनकी चाट। सो गाइज, ये हमारे कॉर्न फ्राई होके रेडी हो चुके हैं, और आप एज इट इज़ इनको एज अ स्नैक खा सकते हैं। ये तो हो गया एक स्टार्टर आपका। अब इसको हमने अगर चाट बनाना है तो सिंपली बस कुछ नहीं, थोड़े से कटे हुए प्याज ले लें, थोड़े कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च, इसके मैंने बीज निकाले हुए हैं ताकि इसकी स्पाइसीनेस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए और फ्लेवर रहे। चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे हम क्योंकि कॉर्न जो है वो ऑलरेडी सॉल्टी है, और थोड़ा सा लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तभी डालिए, और नींबू का जूस। और बिना धनिया के कोई भी चाट कैसे पूरी हो सकती है, तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। और इस मसाले को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये चाट का मसाला हमारा रेडी हो चुका है, और इसमें अब डाल देंगे हम अपने फ्राई किए हुए कॉर्न्स। मिक्स कर लीजिए एक बार अच्छे से, और बिना कोई देरी किए हुए आपने तुरंत इसको सर्व करना है। अगर आपने इसको बना के रख लिया और बाद में सर्व किया तो पूरी जो मेहनत है आपकी वो बेकार हो जाएगी क्रिस्पी कॉर्न बनाने की, क्योंकि ये जो कॉर्न है ये प्याज टमाटर के साथ मिलने के बाद पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और तुरंत सॉगी हो जाएगा। तो बेटर है या तो इसको जब आपने सर्व करना है तभी मिलाइए, पहले मसाला बना के रख लीजिए, और अगर आपने बना दिया तो तुरंत ही सर्व कर लीजिए। सो गाइज, ये हमारी क्रिस्पी कॉर्न चाट बिल्कुल रेडी है, बनाइए और एंजॉय कीजिए। सो गाइज, रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।